मैं उसकी शादी उस चार्ली के साथ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। के कारण लगे लॉकडाउन ने जहां सब कुछ रोक दिया था, वहीं अब सभी चीजें धीरे धीरे अपनी पटरी पर वापस आ रही। फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी कोशिश कर रही है कि नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आपके सामने आए और आपका मनोरंजन करे। जहां एक तरफा फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो कोरोना कारण से पहले ही पूरी हो चुकी है, परंतु छोटे मोटे कामों की वजह से भी उनको रिलीज अटक गया है, जिन्हें बाद में पूरा करके रिलीज करने की पूरी तैयारियां चल रही। ऐसी एक फिल्म जो कोरोना के प्रभाव से पहले ही पूरी हो चुकी थी, पर अपने पोस्ट प्रोडक्शन के बचे काम की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। पहली चर्चा थी कि फिल्म 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज होगी, पर कोरोना के कुछ बंदिशों के कारण ऐसा हो नहीं पाया। फिल्म में मेन कास्ट के रूप में अक्षय कुमार, सारा अली खान और साउथ की सुपर हीरो धनुष नंज आए। फिल्म को हिमांशु शर्मा द्वारा लिखा गया है, जबकि इसका निर्देशन आनंद एल रॉय ने किया है। आपको बता दें कि अब फिल्म को एक नई रिलीज डेट मिल गई है, यह 6 अगस्त 2021 को थिएटर्स में ही रिलीज होगी। फिल्म को टी सीरीज, कलर यूलो प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाया गया है। रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, अतरंगी रेस सिनेमा में 6 अगस्त 2021 को आएगी। फिल्म में A.R. रहमान के म्यूजिक दिया है और इसमें अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान है। फिल्म सारा अली खान और धनुष की जोड़ी पहली बार हमें नजर आएगी। चर्चा है कि फिल्म में सारा का डबल रोल है और फिल्म की कहानी अंतर्जातीय प्रेम पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, मदुराई, दिल्ली और आगरा जैसे शहरों में है। फिल्म के बारे में बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए अक्षय ने कहा था कि आनंद एल रॉय के साथ काम करने से मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। जिस तरह से वे अपनी कहानियों को पेश करते हैं, मैंने हमेशा से उस चीज की प्रशंसा की है। जब से फिल्म की कहानी को लेकर मेरे पास आए थे, मैंने 10 मिनट के अंदर ही इसके लिए अपनी हामी भर दी। फिल्म का किरदार मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, पर साथ ही में यह एक काफी स्पेशल रोल भी है। इस किरदार को मैं हमेशा याद रखूंगा। सारा और धनुष के साथ काम करने पर उन्होंने आगे कहा कि धनुष और सारा के साथ मेरे मेल बिल्कुल ही इस फिल्म के टाइटल को पूरी तरह से प्रभाषित करते हैं, अतरंगी। और मैं ये जानता हूँ कि कहानी को पेश करना और उनके अनोखे और सादगी भरे अंदाज से आनंद सिर्फ जादू ही बिखेरेंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में धनुष की यह तीसरी फिल्म होगी। यह आखिरी बार साल 2015 में अमिताभ बच्चन और श्रुति हसन के साथ फिल्म शमिता में नजर आई थी। बॉलीवुड के अलावा धनुष साउथ के काफी प्रसिद्ध एक्टर हैं, वहीं उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है। गौरतलब है कि OTT पर रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म लक्ष्मी भी दर्शकों को खूब भाई थी। इसके अलावा इस साल अक्षय की बहुत सी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसमें रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी, बच्चन पांडे भी है। बॉलीवुड स्टूडियोज देखते रहिए। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने।